हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि आज ही मैंने नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और आज ये एक वीडियो आ गई है। ये है डिजिबिलिटी रूल्स। सबसे फर्स्ट में अपन देखेंगे डिजिबिलिटी बाय टू। टू की डिविजिबिलिटी कैसे होती है, तो एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय टू, तो सबसे पहले आपको उसके लास्ट डिजिट चेक करनी होगी। अगर लास्ट डिजिट में जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, तो वो टू से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं, 102, 400, 600, 1022, 508 एंड 2010, 2010। और अपन एग्जांपल दे सकते हैं 100, 50, 6, 8 ऐसे, ठीक है। ये भी एग्जांपल्स है डिविजिबिलिटी बाय टू। डिविजिबिलिटी बाय थ्री, एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय थ्री, तो फर्स्ट आपको उसमें क्या देखना है, उनका सम चेक करना है, उनके डिजिट। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा 921, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, 9 + 2 + 1 इज इक्वल टू 12, और 12 3 से डिविजिबल है, मतलब 921 में डिविजिबल है, ठीक है। अब अपन देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 4 का क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जो 2 करेगा वो 4 का ही रहेगा। 4 के इसमें आखिरी में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है, उस केस में भी है। डिविजिबिलिटी बाय 5, एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5 द लास्ट डिजिट इज, अगर जो 5 से डिविजिबल है उसके लास्ट डिजिट में 0 और 5 है, तो 5 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल जैसे देख लो 10, 400, 600, 1020, 5005, 2010, ठीक है। अपन डिविजिबिलिटी ये हो गया अपना डिविजिबिलिटी बाय 10 है, ठीक है। एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 10, फर्स्ट यू चेक द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर, उसका लास्ट डिजिट 0 है, 0 है तो 10 से डिजिबल, 0 है सिर्फ 0, अगर 0 नहीं है तो मतलब डिविजिबल नहीं है। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे आपका 920, 100, 1000, 200, 800, 900, etc, ठीक है।